हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डंकर्क इस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि 2017 में रिलीज हुई थी। आईएमडीबी पर इस फिल्म की रेटिंग है 7.8। इस फिल्म को 3 ऑस्कर भी मिल चुके हैं। तो देखते हैं इस फिल्म की कहानी क्या है। साल है 1940 का, वर्ल्ड वॉर 2 का दौर शुरू है और इसी दौरान फ्रांस में लाखों इंग्लिश सोल्जर डंकर्क बीच पे फंसे हुए हैं। फ्रेंच आर्मी इंग्लिश सोल्जर की मदद कर रही थी। हिटलर के राज में जर्मन आर्मी काफी पावरफुल हो चुकी थी और जर्मनी फ्रांस, बेल्जियम और नीदरलैंड पे कब्जा कर चुका था। सबसे पहले फिल्म की 3 टाइमलाइंस को समझ लेते हैं। मोल यानी कि बीच के आसपास की जो भी स्टोरी दिखाई गई है, वो सब एक हफ्ते के दौरान घटी हुई घटनाएं हैं। दूसरी सीक्वेंस है समंदर की, जहाँ पे मिस्टर डॉसन उनके बेटे और बेटे का दोस्त को दिखाया जाता है। ये पूरा किस्सा सिर्फ 24 घंटों के अंदर घटा हुआ है। और तीसरा सीक्वेंस है हवा में, यानी कि एयरफोर्स, जहाँ पे लड़ाकू विमानों को दिखाया जाता है और ये किस्सा सिर्फ 1 घंटे की स्टोरी को बताता है। ये तीनों टाइमलाइंस कहानी के आखिर में जाकर एक दूसरे से मिलती है। फिल्म की स्टार्टिंग में कुछ पॉम्पलेट्स को आसमान से गिरते हुए दिखाया जा रहा है, जो इंग्लिश सैनिक के हाथ में लग जाता है। दरअसल जर्मन आर्मी फ्रेंच और इंग्लिश सोल्जर्स का मनोबल डाउन करने के लिए ऊपर से ऐसे डीमोटिवेट करने वाले पोस्ट फेंक रही थी, जिसका मैसेज था कि तुम चारों तरफ से घिर चुके हो, तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता। फिल्म के पहले ही सीन में टॉमी अपने साथी सोल्जर्स के साथ डंकर्क की सड़कों पर दौड़ रहा है। पीछे से जर्मन सोल्जर फायर कर रहे हैं और ये लोग अपनी जान बचाते हुए दौड़ रहे हैं। एक एक करके सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं, बस टॉमी ही बच जाता है। वो दौड़ते दौड़ते डंकर्क के बीच पर पहुंच जाता है, जहां समंदर के किनारे बहुत सारे सोल्जर्स हैं। यही वो गिब्सन से मिलता है, जो एक लाश को दफना रहा था। टॉमी उसकी मदद करता है, लेकिन उनके बीच में कोई भी बातचीत नहीं होती। इस उदासी भरे माहौल में ये दोनों ही इस जंग से तंग आ चुके हैं और वापस जिंदा अपने घर पे जाना चाहते हैं। समंदर के किनारे एक शिप लगी हुई है, जो इंग्लिश सोल्जर्स को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए आई है। डंकर्क में लगभग 3 लाख सोल्जर्स फंसे हुए हैं। इनमें से लगभग 45,000 को ही बचाया जा सकता है। कुछ देर में ऊपर से जर्मन प्लेन्स बम गिराते हैं और कई सारे लोग मारे जाते हैं। टॉमी और गिब्सन इस मौके का फायदा उठाते हैं। यहाँ पर कुछ घायल सैनिक भी हैं, जो स्ट्रेचर पर मौजूद है। इनमें से एक को ये लोग शिप तक लेकर जाने लगते हैं। इस घायल सोल्जर के बहाने ये लोग अपनी जान बचाना चाहते हैं। ये बहुत सारे फ्रेंच और इंग्लिश सोल्जर्स को पार करते हुए शिप के पास पहुंच जाते हैं और वहां जाकर पता चलता है कि यहां पर पहले इंग्लिश सोल्जर्स को बचाया जाएगा और उसके बाद ही फ्रेंच सोल्जर्स का नंबर आएगा। टॉमी और गिब्सन शिप तक पहुंच तो जाते हैं, लेकिन फिलहाल उनके लिए यहां पर जगह नहीं है। उन्हें शिप से उतरने के लिए कहा जाता है, फिर भी ये हार नहीं मानते। ये दोनों ही पोर्ट की तरह इस्तेमाल किए जा रहे इस मोल के नीचे छुप जाते हैं। दरअसल यहाँ पर मोल का मतलब है पत्थरों से बना हुआ वो रास्ता, जो किनारे से होते हुए समंदर के कुछ अंदर तक जाता है। इस जगह को पोर्ट की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। ये दोनों यहीं पर छुपकर दूसरी शिप के आने का इंतजार करने लगते हैं। मगर जो पहली शिप है, उस पर ऑलरेडी अटैक हो चुका है। कमांडर बोल्टन आदेश देते हैं कि शिप को मोल से दूर कर दिया जाए, क्योंकि अगर वो मोल से टकरा जाएगी तो उनको नुकसान होगा। ऐसे में जब मदद के लिए दूसरी शिप आएगी तो उसे भी लगाने के लिए जगह नहीं होगी। जिस पे बम गिरा हुआ था, वो शिप अब डूब रही है और इसके अंदर जो भी सोल्जर्स मौजूद थे, अपनी जान बचाने के लिए बाहर कूद रहे थे। ये दोनों एक तीसरे सोल्जर की जान बचाते हैं, जिसका नाम एलेक्स है, जो शिप और मोल के कंक्रीट के बीच में दबने वाला था। तीनों पानी से बाहर आते हैं और रात के वक्त अगली शिप में सवार हो जाते हैं। शिप में पहुंचने के बाद टॉमी और एलेक्स डेक में जाते हैं, चाय पीते हैं, खाना खाते हैं और गिब्सन ऊपर ही रहता है। कुछ देर बाद इस शिप को भी निशाना बनाया जाता है। इस पर पानी के अंदर से वार होता है। अब ये शिप भी डूबने की कगार पर है। टॉमी और एलेक्स डेक के अंदर फंस जाते हैं। गिब्सन मौके पर पहुंचकर दरवाजा खोल देता है और इन लोगों को डूबने से बचा लेता है। तीनों वापस किनारे पर आ जाते हैं। इस बीच को छोड़ने की हर कोशिश इनकी नाकामयाब हो रही है। उसके बाद ये लोग कुछ वक्त के लिए बीच के किनारे पर ही बैठ जाते हैं। इनके आसपास सिर्फ डिप्रेसिंग बातें ही हो रही हैं। ये एक इंसान को सुसाइड करते हुए देखते हैं। कुछ सोल्जर लाइफ बोट के सहारे समंदर को पार करने की कोशिश कर रहे हैं। अब लाखों इंग्लिश सोल्जर की तरह ये तीनों भी मदद का इंतजार कर रहे हैं। फिल्म के दूसरे सीक्वेंस में मिस्टर डॉसन के रूप में मदद आ रही है। ये एक ब्रिटिश नागरिक है, जो अपनी नाव का इस्तेमाल करते हुए इंग्लिश सोल्जर्स को बचाना चाहते हैं। मिस्टर डॉसन और उनके जैसे कई सारे लोग थे, जो अपने सोल्जर को बचाने के लिए खुद डंकर्क तक जाने के लिए तैयार हो चुके थे।
ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर चर्चिल ने भी अपने नागरिकों से मदद मांगी थी। इंग्लैंड एक बहुत ही अमीर कंट्री है, हमेशा से रही है। इसके पास मजबूत नेवी होने के बावजूद भी इन्हें आम लोगों की, उनकी छोटी छोटी नावों की मदद लेनी पड़ रही है। और वो इसलिए है क्योंकि डंकर के किनारे का जो समंदर का पानी है वो ज्यादा गहरा नहीं है, उस पर ज्यादा बड़ी या हैवी शिप्स नहीं जा सकती। इसलिए सरकार को आम लोगों की छोटी छोटी नावों की जरूरत थी। ऐसे में कई ब्रिटिश नागरिकों ने अपनी नाव नेवी को दे दी थी, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो अपनी नाव को खुद समंदर में ले जाकर अपने सैनिकों को बचाना चाहते थे। मिस्टर डॉसन की बोट का नाम मूनस्टोन है। उनके साथ उनका बेटा पीटर है और उसका दोस्त जॉर्ज है। अपने सफर के दौरान ये आसमान में कुछ लड़ाकू विमानों को देखते हैं और इन लोगों को शिप्स भी नजर आती है जो सोल्जर्स को वापस उनको घरों तक लेकर जा रही है। धीरे धीरे इन्हें एहसास होता है कि ये लोग वॉर के करीब पहुंच चुके हैं। कुछ घंटों बाद ही इन्हें बीच समंदर में एक सोल्जर नजर आता है जो कि एक शिप के मलबे पर टिका हुआ था। इसे डॉसन बोट में लेते हैं। ये सोल्जर बहुत ज्यादा शॉक में है, वो बात भी नहीं कर पा रहा है। जब सोल्जर को पता चलता है कि ये लोग डंकर की तरफ जा रहे हैं, तो ऐसे में वो सोल्जर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि वहाँ पर मत जाओ, वहाँ पर सिर्फ मौत है, मुझे घर जाना है, मुझे वापस ले चलो। मिस्टर डॉसन इस बात के लिए राजी नहीं होते। वो यहाँ पे और भी सोल्जर्स की जान बचाना चाहते हैं और ये सोल्जर खुद पर से अपना कंट्रोल खो देता है और बोट को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करने लगता है, जिसमें जॉर्ज और उनके बीच हाथापाई हो जाती है। जॉर्ज को सर पे बहुत गहरी चोट आती है। जॉर्ज बुरी तरीके से घायल हो चुका है। पीटर उसका ख्याल रखता है, उसके सर के जख्म को भरने की कोशिश भी करता है और आगे पता चलता है कि जॉर्ज अब देख भी नहीं पा रहा है, उसके सर पे बहुत ही गहरा घाव हो चुका था। वही जॉर्ज पीटर को बताता है कि उसे लगता था कि वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन अब वो खुश है। उसने पीटर और उसके पिता के बहाने कुछ अच्छा काम किया है। वो चाहता है कि अखबार में उसकी तस्वीर छपी जाए और उसके पुराने टीचर्स देखे कि जॉर्ज कितना काबिल है, कितना बहादुर है। और बाहर मिस्टर डॉसन बोट को डंकर की तरफ ले जा रहे हैं। ये सोल्जर भी फिलहाल शांत हो चुका है। और उधर बीच पर जहाँ पर टॉमी, एलेक्स और गिब्सन हैं, उन लोगों को कुछ स्कॉटिश सोल्जर नजर आते हैं। वो इनके साथ ही चलने लगते हैं और ये सब लोग एक वीरान पड़ी हुई बोट पर पहुँच जाते हैं। ये बोट समंदर के किनारे पर तो है, लेकिन पानी से काफी दूर है। इन्हें उम्मीद है कि जब हाई टाइड होगी तो समंदर का पानी बढ़ेगा, तो इसी के साथ इस शिप को बहाकर समंदर में भी ले जाएगा। शायद ये बोट फ्लोट करते हुए मदद के करीब पहुंच जाए, कम से कम डंकर के इस किनारे को तो छोड़ देगी ये बोट। कुछ ही देर में इनकी मुलाकात इस शिप के कैप्टन से होती है। वो बताता है कि बोट फिलहाल जहां मौजूद है वो ब्रिटिश पैरामीटर से काफी दूर है, यहां पर अटैक हो सकता है और इन्हें बचाने वाला भी कोई नहीं होगा। और तभी बाहर से गोलियां चलने लगती है, शिप पर वाकई में हमला हो रहा है। लेकिन जर्मन सोल्जर को नहीं पता है कि इसके अंदर कोई है भी या नहीं, वो लोग सिर्फ निशाना लगाने की प्रैक्टिस कर रहे थे। कुछ वक्त बीत जाता है और समंदर का पानी भी बढ़ने लगता है और गोलियों से जो शिप को छेद हो चुके थे उनके जरिए अब शिप के अंदर पानी घुस रहा है। ऐसे में ये नाव अब तैर नहीं पाएगी। इन्हें लगता है कि नाव के ऊपर कुछ ज्यादा ही लोग हो गए हैं। अगर कुछ लोगों को बाहर पानी में फेंक दिया जाएगा तो शायद ये फ्लोट कर पाएगी। एलेक्स ऐसे में गिब्सन पर इल्जाम लगाता है कि वो एक जर्मन जासूस है, आखिर वो कुछ बोल क्यों नहीं रहा है, शायद इसे इंग्लिश आती ही नहीं है। टॉमी गिब्सन को डिफेंड करता है। तब पता चलता है कि गिब्सन का असली नाम गिब्सन नहीं है, उसने एक दूसरे सोल्जर के कपड़े पहन रखे थे। दरअसल ये एक फ्रेंच सोल्जर है, ये भी बाकियों की तरह अपने घर पहुंचना चाहता है। नाव में टेंशन के साथ साथ पानी भी बढ़ रहा है और वो नाव बहती हुई समंदर के अंदर भी जा रही है। अब आ जाते हैं तीसरे सीक्वेंस पे, मतलब एयरफोर्स पे। हवा में तीन लड़ाकू प्लेन उड़ रहे हैं। दरअसल जर्मन प्लेन आकर उन शिप को नुकसान पहुंचा रही है जो इन सोल्जर को अपने घरों तक ले जाना चाहती है। आसमान में मौजूद ये तीन ब्रिटिश लड़ाकू प्लेन जर्मन एयरफोर्स का मुकाबला कर रहे हैं। ये तीनों में जो स्क्वाड्रन लीडर होते हैं सबसे पहले उसी का प्लेन नीचे गिर जाता है। दूसरा प्लेन उड़ाने वाले शख्स का नाम फेरियर है, लेकिन उसका फ्यूल गेज डैमेज हो चुका था। उसे ध्यान रखना होगा कि फिलहाल कितना फ्यूल है और कितने तेल में वो कितनी उड़ान भर सकता है। बेसिकली अपनी जिंदगी को बचाने के लिए उसे फ्यूल का ध्यान रखना होगा। इतने ज्यादा तेल भी उसे खर्च नहीं करना होगा कि वो वापस लौट कर ना जा सके। कुछ ही देर में ये एक जर्मन बॉम्बर को गिराते हैं।
मगर इस बार दूसरा प्लेन भी डैमेज हो जाता है और मजबूरी में उसे पानी के अंदर ही इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ती है। मिस्टर डॉसन अपनी बोट के साथ वहीं से गुजर रहे थे। इस प्लेन को गिरते हुए देखते हैं और मदद के लिए आगे बढ़ते हैं। पायलट को प्लेन का हैच खोलने में दिक्कत हो रही थी, कॉकपिट के अंदर पानी भरता जा रहा था। साथ ही दूसरी तरफ टॉमी, एलेक्स और गिब्सन स्कॉटिश सोल्जर के साथ नाव में फंसे हुए थे और वहाँ भी पानी भर रहा था। सही मौके पर मिस्टर डॉसन और पीटर प्लेन के पास पहुंच जाते हैं और इस एयरफोर्स के ऑफिसर को भी बचा लेते हैं। अभी इनका दिल नहीं भरा था, ये और सोल्जर्स की जान बचाना चाहते थे, इसीलिए डंकर की तरफ बढ़ना जारी रखते हैं। आसमान में ब्रिटिश एयरफोर्स का अब सिर्फ एक ही प्लेन बचा है, जिसे उड़ाने वाले शख्स का नाम फेरियर है। अब ये वो जगह है जहाँ पर तीनों टाइमलाइंस मिल रही है। समंदर में मिस्टर डॉसन की छोटी सी बोट भी है, टॉमी, एलेक्स और गिब्सन की शिप भी मौजूद है और आसमान में फेरियर भी है। टॉमी और एलेक्स तो अपनी जान बचाकर शिप से निकलने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन गिब्सन ये कर नहीं पाता और वो डूब जाता है। टॉमी और एलेक्स तैरते तैरते पास में मौजूद एक बड़ी शिप तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन उसे भी जर्मन्स ने बमबार्ड कर दिया है। अब ये भी पानी के अंदर ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी। हवा में ब्रिटिश एयरफोर्स और जर्मन एयरफोर्स का मुकाबला हो रहा है, लेकिन समंदर में ब्रिटिश नेवी बच नहीं पा रही है और समंदर में ये बड़ी नाव भी डूब जाती है। शुक्र है कि वहाँ पे पास में ही मूनस्टोन मौजूद है, जो डूबते हुए सोल्जर्स को बचा रही है। ये बड़े ध्यान से अपना रास्ता बदलते हैं, क्योंकि पानी में डूबते हुए शिप का तेल भी बह रहा है, जिसकी वजह से आग लग सकती है। पीटर को पता चलता है कि जॉर्ज अपने सिर पर लगी चोट की वजह से मर चुका है, लेकिन वो उस सोल्जर को ये बात नहीं बताते, जिसकी वजह से जॉर्ज की जान गई थी। डॉसन अपने बेटे को इशारे से कहता है कि तुमने सही किया, और मिस्टर डॉसन बताते हैं कि उनका बड़ा बेटा भी ब्रिटिश एयरफोर्स में था और वो भी जंग के दौरान ही मारा गया था। उन्हें बाकी सोल्जर से एयरफोर्स ऑफिसर से सहानुभूति है, वो उनके दर्द को, उनकी परेशानी को, उनके डर को समझ सकते हैं। वो जानते हैं कि सोल्जर ने जॉर्ज को जानबूझकर नहीं मारा, वो पहले से ही बहुत ज्यादा दुख और डर में है। मिस्टर डॉसन और पीटर उसके दर्द में इजाफा नहीं करना चाहते। दरअसल ये सोल्जर उन्हीं में से एक था जो लाइफ बोट के सहारे सुरक्षित जगह पर पहुंचना चाहते थे। एक मौके पर टॉमी और एलेक्स इसकी बोट पर चढ़ना चाहते थे और तब ये पूरे होशो हवास में था। उसने बड़े आराम से एलेक्स और टॉमी को समझाया था कि धीरज रखो, मदद मिल जाएगी। मिस्टर डॉसन की बोट भर चुकी है, उन्होंने अपना काम पूरा कर दिया है। उन्हीं के साथ यहाँ पर और भी कई सारे सिविलियंस मौजूद हैं, जो अपने सोल्जर को बचाना चाहते हैं। ऊपर आसमान में फेरियर कवर दे रहा है, प्लेन में फ्यूल भी बिल्कुल खत्म हो चुका है, लेकिन वो हार नहीं मान रहा है। सोल्जर उसके लिए तालियां बजाते हैं। प्लेन में मौजूद तेल की बची हुई आखिरी बूंद तक का इस्तेमाल करते हुए फेरियर जर्मन बॉम्बर्स का मुकाबला करता है। यहाँ पर मौजूद आखिरी बॉम्बर को भी खत्म कर देता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा सैनिकों को बचाया जा सके। मिस्टर डॉसन की बोट मूनस्टोन वापस इंग्लैंड की तरफ मुड़ चुकी है। कमांडर बोल्टन को बताया जा रहा है कि इवैक्यूएशन सक्सेसफुल साबित हो चुका है। इन्होंने सोचा था कि सिर्फ 45,000 सोल्जर को ही बचाया जा सकता है, लेकिन 3,00,000 से भी ज्यादा सैनिकों की जान बचाई जा चुकी है। बोल्टन तय करते हैं कि वो अभी भी बीच पर ही रुकेंगे और यहाँ फ्रेंच सोल्जर्स के इवैक्यूएशन में मदद करेंगे। फेरियर का प्लेन भी बीच पर कहीं दूर किनारे पर जाकर लैंड हो चुका है। वो अपने प्लेन को आग लगा देता है और तभी उसे जर्मन सोल्जर घेर लेते हैं। फिर सारे सैनिक इंग्लैंड पहुंच चुके हैं। इन्हें लग रहा है कि ये जंग में जीत नहीं पाए, इस वजह से लोग इनका स्वागत नहीं करेंगे बल्कि गालियां देंगे। एक बूढ़ा आदमी सोल्जर का स्वागत कर रहा होता है, जिस पर एक जवान कहता है कि हमने तो सिर्फ खुद को बचाया है। बूढ़ा आदमी कहता है कि बस इतना ही काफी है। टॉमी और एलेक्स ट्रेन पर मौजूद है, ये एक अखबार पढ़ते हैं जिसमें चर्चिल की स्पीच छपी हुई थी। बताया जा रहा है कि ऑपरेशन डायनेमो कामयाब हो चुका है, लोग तालियां बजाकर इनका स्वागत कर रहे हैं। पीटर जॉर्ज का सपना पूरा करने के लिए उसकी कहानी मीडिया में बताता है। अखबार वाले उसकी तस्वीर छापते हैं, उसे लोग लोकल हीरो कहकर पुकारते हैं और ये फिल्म खत्म हो जाती है। तो ये थी इस फिल्म की कहानी। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।